मैं यहाँ आज पोस्ट डॉक्टर फेलो काम कर रहा हूँ वाइजमैन इंस्टीट्यूट में, और रहता हूँ रिशोन लिशोन बोल के पास में ही एक सिटी है। कब से हैं आप इज़राइल में? एक साल एक महीने हो गया। आपको आपने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसे आपको लगा कि नहीं इज़राइल छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है? हाँ, फिलहाल तो हमारे रीजन में उतना ज्यादा ये नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ये कर रहा है तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे रीजन में भी खतरा हो सकता है, तो जस्ट फॉर द प्रिकॉशन आई गोइंग देयर। क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी आपको इस फ्लाइट को लेने के लिए? जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करना था एम्बेसी के साइट पे जाके, रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक मेल आया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कन्फर्म करें, और कन्फर्मेशन के लिए मैंने एक फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ, फिर फाइनली वो लोग कन्फर्मेशन मेल भेजा कि आपका बुक हो गया। जस्ट डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कॉल आ रहे थे? मेन रीजन वही है, मैं डरा हुआ नहीं था यहाँ पे, लेकिन घर वालों से एकदम कंटिन्यूस आधे आधे घंटे में कॉल आ रहा है, इसलिए ही बेसिकली जा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे भारत सरकार को, उन्होंने अजय ऑपरेशन चला रहे हैं? बहुत 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 धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग, यहाँ पे नहीं बेसिकली आउट देयर इन आवर होम, सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। बिल्कुल जी। कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं इसराइल में? मैं तो इसराइल में घूम रहा था, मेरी बेटी PhD कर रही थी यहाँ पे, मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया इधर, इस कारण फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयर इंडिया ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला तो हम एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया, तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और आप इंडिया सेफली जा सकते हैं। पूरे दिन जब तक आप इसराइल में रहे, घर का आपको सामना करना था? नहीं, हमें हम बहुत सेफ जगह पे थे और बहुत अच्छी जगह पे रह रहे थे, उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत सरकार को क्या कहेंगे, ऑपरेशन अजय चला रहा है, भारत सरकार चला रही है, भारत सरकार को क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया।